बहादुरगढ़ विधानसभा के हर गांव, गली, मोहल्ले, शहर, कॉलोनी, वार्ड में हो रही रक्षाबंधन सम्मान समारोह की चर्चा। कांग्रेस डेलीगेट व समाज सेवी राजेश जून के कार्यालय पर रोजाना उमड़ रही महिलाओं की भारी भीड़। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं सहित नारी शक्ति से प्रतिदिन सीधे संवाद कर रूबरू हो रहे राजेश जून ने सियासी हलकों में उत्सुकता पैदा कर दी है। जी हाँ, हल्का बहादुरगढ़ के वरिष्ठ समाज सेवी व कांग्रेस डेलीगेट राजेश जून 1 सितंबर से लगातार अपने दिल्ली रोहतक रोड कार्यालय पर रक्षाबंधन सम्मान समारोह के तहत प्रतिदिन हजारों महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती से अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। प्रतिदिन अल सुबह से ही दिल्ली रोहतक रोड पर स्थित राजेश जून के कार्यालय पर गांवों से, शहर से, वार्डों से, कॉलोनियों और मोहल्लों से महिलाओं का पहुंचना जारी है। हल्के में चर्चा जोरों पर है कि इतनी बड़ी संख्या में एक विधानसभा क्षेत्र की लगभग 40,000 महिलाओं व जनवरी महीने में मकर संक्रांति पर्व पर लगभग 65,000 सम्मानित मतदाताओं को सम्मानित करना व किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के कार्यालय पर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का पहुंचना और सम्मानित होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महिलाओं से बात करने पर वो बताती है कि चुनाव तो हमने कई सालों से देखे हैं और वोट भी डाली है, लेकिन अपनी बहन मानकर, अपनी बेटी मानकर और मां समान प्यार दुलार व सम्मान देकर राजेश जून ने हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। राजेश जून ऐसा व्यक्तित्व है जो धर्म परम में आस्था रखता है, संबंधों की गरिमा को समझता है, हर व्यक्ति के दुख सुख में शामिल रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए वोट कर हम पहली बार खुशी महसूस करेंगे। बुजुर्गों, महिलाओं का कहना है कि चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें बनती हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजेश जून ने मातृ शक्ति का सम्मान बढ़ाया है, बुजुर्गों को सम्मानित किया है, युवाओं को मदद कर प्रोत्साहित किया है, वह पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है। राजेश जून के कार्यालय पर लगातार क्षेत्र के गणमान्य जन, बुजुर्ग, युवा पहुंच रहे हैं। चाय की चुस्कियां लेते हुए बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहते हैं, विधायक राजेश जून जैसा ही चाहिए, जो बुजुर्गों को मान सम्मान देता है, हल्के के हर धार्मिक सामाजिक समारोह में शिरकत करता है, मंदिरों, गौशालाओं, धर्मशालाओं, खेल खिलाड़ियों, जरूरतमंदों, गरीबों की मदद करता है। भगवान ने राजेश जून को इतना बड़ा दिल दिया है कि वह पूरे हल्के को अपना परिवार समझकर जो भी उनके द्वार पर आता है उनकी मदद करते हैं। वरना विधायक तो ऐसे भी हैं जो बनने के बाद नजर ही नहीं आए। बड़ी संख्या में युवा राजेश जून के सम्मान समारोह को सफल बनाने के लिए उनके कार्यालय पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, माताओं का मानना है कि राजेश जून बहादुरगढ़ के आने वाले विधायक हैं। अब बहादुरगढ़ के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो चली है कि राजेश जून ने तो अपना चुनाव पूरी तरह से लड़ने का मन बना लिया है और राजेश जून का यह व्यवहार उनको जीत की तरफ ले जा रहा है।